सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजा मिश्रा ब्लॉग में। और जैसा कि आप जानते हो कि इस चैनल पर मैं आपके लिए सप्ताह में एक ब्लॉग जरूर लेकर के आता हूं। पिछले 6 महीने से लगभग मैंने इस चैनल पे वीडियो नहीं डाला था। लास्ट संडे को आप लोगों के काफी डिमांड पर मैंने एक वीडियो डाला, एक ब्लॉग बनाया, और अब ये दूसरा वीडियो है, ये दूसरा संडे है, और इस संडे को भी आपको एक वीडियो मिलेगी जो काफी भव्य वीडियो होगी। आपको भी देख करके बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी, आपका मन जो है सो गद गद हो जाएगा। आपको मैं यहां पर मैं आज लेकर के चल रहा हूं वो है माता दुर्गा का धाम, माता दुर्गा का स्थान। वहां पर उस जगह का नाम है मन्नीपुर दुर्गा स्थान। मन्नीपुर का नाम आपने काफी ज्यादा सुना होगा अगर आप क्षेत्रीय होंगे, यहाँ के रहने वाले होंगे, बिहार के अगर रहने वाले होंगे आप तो आप जानते होंगे कि मन्नीपुर कहाँ पर में है और मन्नीपुर के माता दुर्गा की कितनी ज्यादा शक्ति है और वो कितनी ज्यादा प्रत्यक्ष है। शक्ति तो हर एक दुर्गा माता की है, जहां भी है, जिस रूप में भी है, वहां पर विराजमान है, शक्ति है, लेकिन कितनी ज्यादा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कितना ज्यादा किस स्थान पर में वो प्रत्यक्ष है, आपके कितने इच्छाओं की वो पूर्ति करती है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज मैं जिस स्थान पर मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ वो सर्व सिद्धि स्थान है, जहाँ पर मैं आपके पहुंचने से दर्शन मात्र से आपका सभी मनोकामना पूर्ण होगा। कहा जाता है कि या देवी सर्वभूतेषु सर्व सिद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो चलिए मैं आपको सीधे उस स्थान पर भी लेकर के चलता हूँ और माता का दर्शन करवाता हूँ। तो ये अब हो गया हमारे घर का दरवाजा बंद और अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ सीधा मंदिर पर। मेरे रास्ते में अगर कुछ ऐसी चीजें होंगी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। और आज का जो हमारा ड्रेस है वो आप देख सकते हो, ये ड्रेस है आज का हमारा पूरा ड्रेस। तो चलिए मैं आपको रास्ते में कुछ कुछ दिखाते हुए ले चलता हूँ और पहुंचता हूँ सीधा मंदिर पर। तो अब हम लोग फाइनली मन्नीपुर दुर्गा मंदिर में पहुंच चुके हैं और अभी मैंने एंट्रेंस नहीं लिया है, अंदर मैं गया नहीं हूँ। मैंने सोचा कि आपको एक बार यहाँ के बाहर का नजारा दिखा दूँ। और ये आप देख रहे हो मैं बहुत दूर से ले रहा हूँ क्योंकि ये मंदिर बहुत विशाल है, जैसा मैंने सोचा भी नहीं था उस प्रकार से है। मैंने ये नहीं सोचा था कि इतना बड़ा और विशाल और भव्य मंदिर होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आने के बाद मालूम चला कि ये मंदिर तो काफी विशाल है और काफी बड़ा है। ये जो ऊपर में आप ये सब देख रहे हो ये सब अभी दुर्गा पूजा जो स्टार्ट होने वाली है उन सब की सजावट है। यहाँ पर में सजावट काफी भव्य होती होगी क्योंकि मंदिर इतना विशाल है तो सजावट तो ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा भव्य होता होगा। और अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, पहले मैं बाहर की कुछ चीजें हैं जो बैक कैमरा से आपको ऑन करके दिखाता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और बताता हूँ अगर कैमरा अलाउ हुआ तो मैं आपको वहाँ का फोटो और मूर्ति भी दिखाऊंगा। ये जो है सो मंदिर का फ्रंट व्यू है जो आप देख रहे होंगे। अभी शायद आपको यहाँ पर मैं बांस वगैरह लगा हुआ है जिसके कारण शायद आपको सही से दिखाई ना दे रहा हूँ। ये यहाँ से अंदर में एंट्रेंस गेट में एंट्रेंस लेने के बाद का जो सीन है वो ये है। माता दुर्गा की बहुत ही विशाल और भव्य मंदिर बनाई गई है यहाँ पर में। और मैं आपको दिखा दूँ ये गेट का निर्माण करवाया है स्वर्गीय धीरेन्द्र कुमार झा ने, जो माता भगवती लिखा गया है कि स्वर्गीय धीरेन्द्र कुमार झा की स्मृति में माँ भगवती के चरणों में समर्पित टूना झा एवं समस्त परिवार के सौजन्य से, यानी कि इनके द्वारा ये निर्माण कराई गई है। और यहाँ पर में माता दुर्गा यहाँ पर में एक देवी की मूर्ति लगी हुई है और यहाँ पर में भी मेन गेट पर में भी शायद आप देख पा रहे होंगे।
अब यहाँ पर मैं आ चुका हूँ तो माता दुर्गा के लिए कुछ प्रसाद भी ले लेनी चाहिए, जैसा कि मैंने रास्ते में भी आपको बताया था। मैंने रास्ते में भी प्रयास किया कहीं से ले लूँ, मगर रास्ते में कहीं मिला नहीं, तो मैंने ऐसा सोचा कि माँ दुर्गा की ये इच्छा है कि यहाँ पर पहुँचने के बाद ही प्रसाद लूँ और यहीं से लेकर के चढ़ाऊँ। तो मैं प्रसाद ले लेता हूँ, ये पैसे को देता हूँ, ये रहा प्रसाद। और प्रसाद में क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें नारियल है, इलायची दाना है, बतासा है, मौली है, चुंदरी है और अगरबत्ती है और सिंदूर भी है। ये सब मैं आपको दिखा दूंगा अंदर में चल करके। और यहाँ पर आप जब भी आओ तो यहाँ से लो और यहीं से लेकर के चढ़ाओ। मुझे ऐसा लगा कि यहीं से लेकर के चढ़ाना चाहिए। चलिए अब आपको अंदर का सीन दिखाता हूँ। चलिए अब अंदर प्रवेश कर चुका हूँ और ये है अंदर का नया। देख रहे होंगे आप, शायद मैंने ऐसा अंदाजा नहीं किया था कि ऐसी मंदिर होगी, लेकिन ये तो काफी ज्यादा विशाल और भव्य मंदिर है। मैं तो देख कर काफी आश्चर्यचकित हो चुका हूँ। और आप भी जब यहाँ पर, मैंने अभी तक इसका नाम केवल सुना था, मैं कभी आया नहीं था, लेकिन आज पहली बार आया हूँ। और ये आप देख रहे होंगे कितना ज्यादा विशाल मंदिर। अंदर चल गए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का बैक कैमरा से, एक एक सीन में आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये सबसे पहले एक छोटे मंदिर का दर्शन करो। ये है एक छोटा मंदिर जहाँ पर मैं, जो मैंने नारियल लिया है वो शायद यहीं पर मैं चढ़ाया जाता है। और ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन है, यू कैन वॉच इट नाउ। ये नीचे से मैं आपको दिखाता हूँ, ये नीचे से देख रहे होंगे, और नीचे से देखते देखते ये सीधा ऊपर एक साइड देखो व्यू लो और उससे भी ऊपर चले जाओ। मतलब बहुत ही भव्य बनाई गई है। कितनी प्रशंसा करूं, प्रशंसा करते करते मैं भी थक जाऊंगा, आप भी सुनते सुनते थक जाओगे, लेकिन इसकी प्रशंसा समाप्त नहीं होगी। दर्शन करवाया अभी यहाँ पर मैं, लगभग 8-10 मूर्ति और भी बची हुई है, देवी देवता बचे हुए हैं जिनका दर्शन करवाना अभी बाकी है। लेकिन यहाँ के बारे में कुछ ऐसी कथा है, क्योंकि मैं भी इससे पहले कभी यहाँ पर मैं नहीं आया, पहली बार आया हूँ, और मुझे अंदाजा नहीं था कि ये मंदिर इतना ज्यादा विशाल और इतना बड़ा होगा और इतना भव्य मंदिर होगा, नहीं तो मैं कैमरा लेकर के आता। तो मैं पंडित जी से बात करता हूँ और यहाँ के बारे में आपको जो बातें हैं वो बताता हूँ, क्योंकि मुझे भी जानकारी नहीं थी, अभी अभी जस्ट जानकारी हुई है पंडित जी ने कुछ बताया। पंडित जी, यहाँ पर ये मंदिर जो है सो कब से है और इसके पीछे की क्या कथा है, क्या कहानी? मतलब ऐसी देवी की ऐसी दिव्य शक्ति कहा जाता है पंडित जी के द्वारा,
प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि 1911 ईस्वी में नहीं कि आज से 100 साल पहले 108-110 साल 2018 हो गया अभी, यानी कि 108-9 साल हो गए। पंडित जी का ऐसा कहना है कि आया ना उसके बाद गांव में लोग नहीं पति आ जाएंगे दिए होंगे 10-20 आदमी को कहा, सारा आदमी एक जगह बैठे, ये कहता है सत्य है झूठ है, इसलिए कहते कपड़ा नया बिछा देते हैं, अगर भगवती का मृत्यु टूट जाएगा समझेंगे ये तुम लोग दर्शन दिए हैं, मतलब जमीन ऐसे ही जमीन पर में हाँ कपड़ा नया बिछा दिया सब आदमी के सामने में, वो अपने पर मृत्यु गए उस टाइम में पूजा करने लगा जिसको चरणामृत बोल देता था, उसको 900 को दस्त का होता था, बीमारी ठीक हो जाता था, अभी भी ठीक होता है, अभी हर जो हर मनोकामना चाहता है वो पूरा होता है। देखिए ये एक अद्भुत चीज है, ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा होता था, अभी भी होता है और अभी भी होता है, मतलब मैंने पहले ही बताया था, पहले मैं आया नहीं था लेकिन मैंने पहले जैसा कि बताया था कि सर्व सिद्धि मनोकामना मंदिर के नाम से भी आप इसको जान सकते हो, जो भी मांगता है पूरा होता है, एक बार जो आप इच्छा यहाँ पर में आकर करोगे आपकी वो इच्छा अवश्य पूरी होगी। पंडित जी का ऐसा कहना है कि 1911 ईस्वी में राम खिलावन नाम के एक भक्त थे, जो राम खिलावन खतवे नाम के एक भक्त थे जो माता दुर्गा की उपासना किया करते थे, माता दुर्गा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा कि तुम जाओ और मेरा मंदिर बनवाओ, मंदिर उस टाइम में नहीं था, पूजा करना बस हो गया, तुम पूजा करना। और यहाँ पर मैं जब वो आया गाँव में तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे माता दुर्गा ने मुझे दर्शन दिए हैं, तो सब लोगों का ऐसा कहना हुआ कि नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है जो तुमको दर्शन देंगे। तो फिर सब लोगों ने क्या कहा कि यहाँ बैठक हुआ, सही कहा ऐसा चैलेंज, यानी कि जो असंभव है कि मैं एक कपड़ा बिछा देता हूँ और नया कपड़ा, और अगर माता दुर्गा की पिंड जो है अगर वो आ गया आपको दिखाई देने लगा तब तो मैं मान लूंगा कि ये सही है, नहीं तो ये झूठ है। जैसे कहा जाता है कि संत रविदास थे जिन्होंने राजा के दरबार में कहा कि जो कहावत आपने सुनी होगी मन चंगा तो कठौती में रंगा, यानी कि एक हाथ गंगा जल में दिया उन्होंने और एक कहानी है उसके पीछे लंबी कि राजा की रानी की कुछ खो गया था, कुछ कंगन खो गई थी तो उन्होंने हाथ दे करके वहीं पर में निकाल दिया था। तो वही बात यहाँ पर है कि नया कपड़ा बिछा दिया और वहां से माता दुर्गा की पिंड जो है सो जागृत हो गई। पंडित जी का ऐसा कहना है कि वहां पर में उस टाइम में हैजा फैला हुआ था, हैजा प्लेग के नाम से आप जान सकते हो उसे, अभी भी लोग जानते हैं इस बात को, जो 100-100 लोग एक बार में मर जाते थे, 100 लोग यही कि एक बार में मरना ये समझ सकते हो, जो कि अभी तो बहुत कम हो गया है। और यहाँ पर में माता दुर्गा के मात्र पूजन करने से यहाँ पर में आने से उन सभी का जो बीमारी है रोग है दूर दूर हो जाता था, अभी फूल खाने से चन्नामृत खाने से उनकी सारी बीमारी दूर हो जाती थी, तो ऐसा है और अभी भी होता है। तो आप जहाँ भी हो पूरे दुनिया में, क्योंकि इस चैनल को कम से कम 30-40 देश के लोग देखते हैं, तो आप कहीं से भी यहाँ पर में आ सकते हो। ये समस्तीपुर बिहार के समस्तीपुर जिला में एक मन्नीपुर गांव है, यहाँ पर में है ये मंदिर और मैं भी पहली बार ही आया हूँ। अब यहाँ का लगभग आपको वीडियो मिलता रहेगा, अगली बार मैं आऊँगा तो विशेष रूप से कैमरा वगैरह लेकर के आऊँगा, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसी भव्य मंदिर होगी। तो अब मैं यहाँ जो देवी देवता बचे हुए हैं उनका दर्शन मैं आपको करवा देता हूँ और मैं चलता हूँ अपने घर पर। चलिए, शंकर का ये मूर्ति है, महादेव तो महादेव है, ये शिवलिंग है, ये शंकर की मूर्ति है। शंकर का मतलब होता है कल्याण करने वाला, जो कल्याण करने वाले हैं, शंकर का उसे काम दिया गया है विनाश का। और ये ब्रह्मदेव है, ब्रह्मदेव की वैसे पूजा नहीं होती है, लेकिन ब्रह्मदेव की फिर मैं यहाँ पर मैं दूसरी बार ये देख रहा हूँ मूर्ति, एक मैंने देखा है ब्रह्मदेव की, ब्रह्मदेव है या कार्तिक है, ब्रह्मदेव ही है ये मैंने कन्फर्म किया पूछ करके, क्योंकि ब्रह्मदेव की मूर्ति बहुत कम होती है। अभी इससे पहले मैं एक जगह पुष्कर गया था राजस्थान में, जब मैं था वहाँ पर में, तो ब्रह्मदेव की एक वहाँ पर में पूजा होती है। और ये बजरंगबली जो कि सभी चारों युग है प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत की, चारों युग में बजरंगबली है। अब यहाँ के मंदिर के अलग अलग हिस्सों का मैं आपको दर्शन कर पाता हूँ, विश्वकर्मा बाबा, काफी लंबी वीडियो हो चुकी है लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत शॉर्ट हो जाए। विश्वकर्मा बाबा यहाँ का एक पार्ट है, जो कहा जाता है कि उस प्राचीन काल के इंजीनियर इन्हीं को कहा जाता है, और यही इंजीनियर थे और यही जितने भी बनाने का कुछ भी बनाने का कार्यक्रम था वो यही संभालते थे, इन्हीं के द्वारा किया जाता था।
ये मंदिर का एक दूसरा पार्ट है जो राधा और कृष्ण है, जो देख ही रहे हो, इनके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है, इनका नाम का आपको जाप करना चाहिए। और कृष्ण के यहाँ पर विराट रूप में भी एक मूर्ति लगी हुई है, शायद आपको दिखाई दे रही हो या नहीं आपको दिखाई, हाँ ये ऊपर में जो देख रहे हो कृष्ण के विराट रूप की मूर्ति लगी हुई है, ये बाल मूर्ति है और कृष्ण को, तो ये हुई कृष्ण की। और ये है बसावा, तो भी प्रणाम करता हूँ महादेव ने, एक बार ऐसी स्थिति आई कि वो अपना गुरु स्वीकार कर लिया था। और ये है माता दुर्गा के सवाई सिंह। और ये है समस्त राम परिवार, राम परिवार में यानी कि समस्त तो नहीं कह सकते, फिर भी राम का जो है माता सीता श्री राम और लक्ष्मण जी है, घर जो है सो समस्त राम परिवार है, ये आप देख रहे हो फोटो में सही। तो ऐसे ही है यहाँ की सारी चीजें, ये हनुमान जी है जो राम जी के सामने बैठे हुए हैं और प्रणाम के मुद्रा में हैं, ये आप देख रहे होंगे। और अब लास्ट दर्शन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ और वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। ये है माता दुर्गा जो भगवान शिव को प्रणाम करके बैठी हुई है, माँ दुर्गा मैं भी इनको प्रणाम करता हूँ। यादव बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य। अब मैं वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ, लेकिन एक दो लोग हैं उनसे बात कर लेता हूँ और आपको मैं बताता हूँ। तो एक यहाँ के जो नए लोग हैं, पुराने लोगों की बातचीत तो मैंने आपको सुना दी, एक नए लोग हैं जो सिक्किम हो गए, 25 ईयर इनकी उम्र है और इनसे भी युवा से भी कुछ भक्ति के बारे में, कुछ धार्मिक स्थानों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, तो मैं इनसे जानकारी लेता हूँ यहाँ के बारे में। आप यहाँ जब भी कोई भी घर में शुभ कार्य हो, कुछ भी हो, तो इनका यहाँ पर में आना है, ये मतलब देवी के सच्चे भक्त हैं। अच्छा, युवा से एक बात पूछना चाहिए कि क्या वाकई यहाँ पर में आने से आपकी मनोकामना पूरी होती है, आप जो मन्नत मांगते हो वो पूरा होता है? कुछ ऐसा था कि ये बताना नहीं चाहते हैं, इनके मन की अंदर की बात होगी कोई ऐसी, तो ये बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन इनकी इच्छा पूरी हुई और पूरी हुई तो अभी हर एक संडे को यहाँ पर में आते हैं, ये माता की विशेष कृपा ही है। तो जो भी विशेष करके पुराने लोग में तो भक्ति है ही, लेकिन हमारे जैसे जो नए लोग हैं अभी युवा जो है वो लोग अभी इस पर में उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, विश्वास नहीं करते, लेकिन ये लोग ध्यान दे रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, यही बड़ी बात है। और विश्वास ही नहीं कर रहे, इनकी मनोकामना भी माता पूरी कर रही है, तो ये सबसे बड़ी बात है। और दूर दूर से लोग आते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद अब दूसरे कंट्री से भी लोग आए, अलग अलग राज्य से लोग आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी लोग वीडियो देख रहे हो आप यहाँ पर में आओ और आप भी एक बार ट्राई करके देखो माता की वाकई में शक्ति है या नहीं, क्योंकि यहाँ के लोगों की तो पूरी होती है। और अभी तक मैंने जैसा समझा है कि माता सभी की इच्छाओं को पूरी करती है। अगर आप बाई चांस किसी कारण से यहाँ पर मैं नहीं आ पाऊँ, तो आप प्रयास करो कि जहाँ पर मैं हो और वहीं से वीडियो देख रहे हो, वहीं से माता का जब मैंने आपको दर्शन कराया था तो वहीं से आप प्रणाम करके अपने मन की इच्छा बोल सकते हो। और आप ऐसा करो कि अगर मेरी इच्छा पूरी हुई तो मैं आपके दर्शन के लिए यहाँ पर मैं जरूर आऊँगा और आप फिर जरूर आओ। और उससे भी बेहतर ये होगा कि आप पहले ही आके यहाँ पर मैं दर्शन करो तो और भी उत्तम है। तो चलिए मैं वीडियो को अब यहीं पर मैं खत्म करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बेनिफिशियल साबित अवश्य हुई होगी। अगर वाकई कुछ ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय माता।